मैंने तारानगर के अंदर बहुत शांति बना के रखी है 5 साल के अंदर। मैं किसान के लिए जान देने को भी तैयार हूँ। अशोक गहलोत जी का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ रहा, तो मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरा दुर्भाग्य रहा क्योंकि मैं ज्यादा उनके साथ नहीं रह सका, और मैं करीब 70,000 वोटों से पार्लियामेंट का चुनाव जीता। अपना सारा जीवन जेलों में बिताया, संघर्ष में बिताया। 1987 राजस्थान में गंभीर अकाल पड़ा था, मेरे दादाजी को इंदिरा जी ने बुला करके इंदिरा गांधी कैनाल पर 25 बीघा जमीन निःशुल्क प्रदान की एज ए फ्रीडम फाइटर। देश की राजनीति जिस दौर में गुजर रही है वो बड़े खतरनाक दौर से गुजर रही है। आज बीजेपी के लोग जो है वो अपना क्षेत्र छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ को भी कई लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री दौड़ में, बस तारानगर आने की चर्चा है, के माहौल है वो। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका, आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीतें ढेरों इनाम। राम राम साहब, मैं हूं अंकित और देख रहे हो देसी खबरां गुरु जलको चुरू। तो आपने एक सीरीज है राजस्थान की राजनीति जगह के अंतर्गत अपना जनप्रतिनिधियों बात करा और जनता के प्रति बांगी राय की है और बांग जो को अब चुनाव आ रहे हैं इन बारे में क्या कहना है भी पूरी जानकारी लेवा। तो आज इन कड़ी में आपने सागा है तारानगर वर्तमान विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र जी बुडानिया। अगर मैं वरिष्ठ लगा रहा हूं तो इनके पीछे बहुत बड़ी एक सूची है, 40 साल को राजनीतिक अनुभव भी है और एक इसी स्टोरी है जिसका राजनीति का विद्यार्थी है बान प्रेरित करना हारी है। तो बुडानिया जी सर्वप्रथम तो जलको चुरू पर थारो बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक सरपंच हूँ लेगे एक राज्यसभा सांसद हैं, सफर किया रहे? मेरा सफर बहुत अच्छा रहा। मैं छात्र जीवन में भी गरीब विद्यार्थियों के लिए, गरीब लोग हमारे साथी थे उनके लिए खूब लड़ाई लड़ता था, तो स्टूडेंट लाइफ से ही मुझे प्रेरणा मिली राजनीति की और मैं छात्रों के हित के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहा। मैं स्कूलों में भी चुनाव लड़े, कई सब चुनाव जीते मैंने। फिर मुझे लोहिया महाविद्यालय चुरू में, बहुत बड़ा कॉलेज है उस टाइम, उस समय तो बहुत बड़ा था क्योंकि आसपास कॉलेज नहीं थे, उस कॉलेज में मैं 73-74 में उपाध्यक्ष रहा और 74-75 में मैं प्रेसिडेंट बन गया। उसके बाद लगातार मैं ही रहा क्योंकि फिर इमरजेंसी लग गई थी। अच्छा। तो उसके बाद में मैं जयपुर में अध्ययन किया LLB की, वहाँ भी मैं जो है अन्याय के खिलाफ युवाओं के हित के संघर्ष किया। ये संघर्ष मुझे मेरे परिवार से मिला, मेरे दादाजी, मेरी दादी, मेरा सारा परिवार आज़ादी के लिए संघर्ष किया। अपना सारा जीवन जेलों में बिताया, संघर्ष में बिताया, वो अन्याय की और गरीब की लड़ाई लड़ते थे, शोषण के जो है खिलाफ, जो है जो शोषण करने वाले थे उनके खिलाफ वो खड़े होते थे और उसे लड़ते थे। तो उनकी जो प्रेरणा थी, मेरे दादाजी को इंदिरा जी ने बुला करके इंदिरा गांधी कैनाल पर 25 बीघा जमीन निःशुल्क प्रदान की एज ए फ्रीडम फाइटर इंदिरा गांधी जी ने। तो वो प्रेरणा मेरे परिवार की मेरे साथ थी। मेरे पिताजी थे लर्नेड एडवोकेट थे और प्रथम प्रधान थे चुरू के, और फिर 1962 में वो कांग्रेस का चुनाव लड़ा उन्होंने, वो किन्हीं कारणों से सफल नहीं हो पाए। वो छोटी अवस्था में उनकी उनकी डेथ हो गई और मैं विद्यार्थी जीवन से निकल करके मैं आया ही था LLB करके, तो मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरा दुर्भाग्य रहा क्योंकि मैं ज़्यादा उनके साथ नहीं रह सका, लेकिन उनकी प्रेरणा मेरे साथ थी। और उन्होंने मुझे एक बात पूछी कि तुम राजनीति करना चाहते हो क्या? मैंने कहा मैं राजनीति भी करना चाहता हूँ और जन सेवा भी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा राजनीति में यदि कदम रखते हो बड़ी राजनीति में तो दो चीज़ों का ख्याल रखो, एक तो 36 कौम को साथ लेकर चलो और गरीब का विशेष ख्याल रखो। ये दो चीज़ें दिमाग में लेकर के आगे उतरना। यदि आप में ये क्षमता नहीं है तो फिर पॉलिटिक्स में मत आना। लेकिन मैंने उनकी प्रेरणा से, जब मैं सर्वप्रथम मुझे सरपंच बनाया बहुत बड़े गांव का और जिसमें 36 कौम है, उन सब ने मिलकर मुझे आशीर्वाद दिया। मैं बहुत जो है छोटी अवस्था में सरपंच बन गया और सरपंच रहते हुए मैंने खूब काम किया, खूब संघर्ष किया किसानों के लिए। मुझे जिम्मेदारी दी पार्टी ने जिला किसान कांग्रेस की और उसके उस जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मैंने पूरे जिले में काम किया और किसानों की लड़ाई लड़ी, गरीबों की लड़ाई लड़ी। तो 1985 में जब पार्लियामेंट का उपचुनाव था, दौलतराम जी आज हमारे बीच में नहीं है, वो उम्मीदवार थे विपक्ष के
संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार थे। अच्छा। उसमें बीजेपी के भी शामिल थे, सब लोग पार्टियां शामिल थी। उस संयुक्त उम्मीदवार के सामने जो फैसला पार्टी ने किया कि नरेंद्र बुडानिया को टिकट देना है। फर्स्ट टाइम आपको जब एमपी की टिकट मिली तो बीच टाइम क्यों योगदान रहे हो ज्यादा? उस टाइम राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे अशोक गहलोत जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी। अशोक गहलोत जी का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ रहा और उन्होंने जो है हरदेव जोशी जी को भी तैयार किया और मुझे उनका भी पूरा ढेर सारा आशीर्वाद मिला। और दोनों ने जो है अशोक गहलोत जी ने राजीव गांधी से बात की, उस टाइम वो प्रधानमंत्री थे, और फिर सब ने सामूहिक फैसला किया कि जो है युवा चेहरे को और किसान के बेटे को और एक स्वतंत्र सैनिक परिवार से जुड़ा व्यक्ति है उसको हमें आगे लाना चाहिए। ये सोच करके कि मैं लंबी सेवा करूंगा क्षेत्र की, ये सोच के मुझे उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया। और मैं चुनाव पहला चुनाव लड़ा पार्लियामेंट का, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मुझे लोगों ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया और मैं करीब 70,000 वोटों से पार्लियामेंट का चुनाव जीता। इतने बड़े मार्जिन से। तो थारे जीवन को सर्वश्रेष्ठ कार्यकाल कौन सा लगा कि अंदर मैं इतनी खुशी महसूस करी बन गए कि मैंने 5 साल में बहुत बढ़िया। जब पहली बार मैं एमपी बना तो मुझे इतना उत्साह था काम करने का, तो पार्टी ने मेरे काम से प्रभावित होकर के मुझे युवाओं की जिम्मेदारी दी। मुझे अखिल भारतीय युवक कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया और संगठन जनरल सेक्रेटरी बनाया और मैंने पूरे देश में काम किया। देश में काम करने के साथ साथ मैंने कभी मेरा लोकसभा क्षेत्र नहीं छोड़ा। मुझे याद आ रहा है कि 1987 राजस्थान में गंभीर अकाल पड़ा था और मेरे को बड़ी चिंता लग गई कि मुझे पहली बार एक नौजवान को मौका मिला है तो मैं लोगों की मदद कैसे करूं। तो मैं राजीव गांधी जी के पास गया, मैंने कहा साहब मेरा क्षेत्र अकाल से बहुत जबरदस्त ग्रसित हो गया है, पीने के पानी की कमी हो गई है, अनाज नहीं है, गरीब लोग हैं, आपको आशीर्वाद दिया अभी लोगों ने मुझे जिता करके। तो उन्होंने कहा कि आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने उनके लिए कहा कि आप मेरे क्षेत्र का दौरा करो। तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री का गांव में दौरा करना तो बड़ा मुश्किल होता है, इतना टाइम नहीं होता है, पूरे देश का काम है। लेकिन उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और उन्होंने मुझे कहा कि बुडानिया तू ऐसा मेरा प्रोग्राम बना ना तो प्रधानमंत्री ने आज तक किया और ना कभी आगे कर पाएगा, सबसे यूनिक प्रोग्राम बना। फिर हमने जो है सबने बैठ करके तैयार किया कि हम लोग जो है उनको ऐसे गांवों में ले जाएंगे जहां सड़क नहीं है, कच्चा रास्ता है और छोटे छोटे गांव में गरीब लोग हैं। वो रास्ता उन्होंने स्वीकार किया और वो उनको रतनगढ़ हमने लैंड करवाया हेलीकॉप्टर। उसके बाद में दात्री होते हुए, दात्री सब छोटा गांव है, दात्री होते हुए हमने 18 गांवों का दौरा कराया। एक दिन में 18 गांवों का दौरा कराया, गरीब लोगों से मिले, मजदूरों से मिले, सबकी जब पहचाना की भी हाँ वास्तविकतम समस्या क्या है, अंदर गहराई तक गए हो, जैसे राहुल जी पैदल के अंदर तक जा रहे हैं वैसे अंदर तक गए कि गरीब की वास्तविकता क्या है। और वो 18 गांव में दौरा करने के बाद जब वो दिल्ली गए और दिल्ली में जाकर के अपने जो है उन अधिकारियों को बुलाया, कृषि मंत्री को बुलाया और निर्देश दिया कि भाई चूरू जिले का मैंने दौरा किया है और ये हालात है तो पूरे राजस्थान के हालात ऐसे, ऐसा मुझे वहां बताया गया है, तो आप इसका पूरा स्टडी करो और जितनी मदद हो सकती है वो मुझे बताओ। तो मुझे चूरू का दौरा करने से राजस्थान को 850 करोड़ उस वक्त मिले थे, राजीव गांधी ने स्वीकृति दी उस टाइम 850 करोड़ रुपए की। आज अंदाजा लगा लो 850 करोड़ आज से 40 साल पहले थे उस टाइम में, 850 और कितना कितनी राशि हो सकती है, उतनी राजस्थान को मिली। चूरू में हमने भरपूर काम करवाए, लोगों को खूब मजदूरी दी। वो चीज मुझे मेरे हमेशा मेरे जहन में है कि भी ऐसा प्रधानमंत्री ने कभी दौरा किया नहीं, ये जो मेरे लिए ऐतिहासिक समय था। आज राजस्थान के अंदर यदि नहर का काम चल रहा है नई का तो तारानगर में चल रहा है और चल नहीं रहा है 10,000 हेक्टर और 43,000 किसान और 32 गांव, इन लोगों को सीधा फायदा तो 10,000 हेक्टर से हुआ है जिसका हमने उद्घाटन कर दिया। आज पानी चल रहा है जबरदस्त तरीके से, यानी अभी मैं देख के आया हूँ, अभी खुशी है कि वो किसान जो है अभी पूरा जो है बंटवारा हुआ ही नहीं पानी का, उसके पहले ही जो है किसानों को इतना पानी मिल रहा है और 10,000 हेक्टर का हमने शिलान्यास किया। गहलोत साहब ने जो है 135 करोड़ रुपए मुझे बची हुई जो 10,000 है उसके लिए दिए, उसका काम चालू हो गया।
उसका काम चल रहा है तो 10,000 का हेक्टर का काम और पूरा हो जाएगा। तो किसान का जो जो 20,000 हेक्टर जुड़ जाएगा इससे एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारी। इससे 90,000 किसानों को सीधा लाभ होगा और 65 गांवों को लाभ होगा। उसके बाद में ये नहर आगे बढ़ेगी, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे आगे बढ़ने की, क्योंकि ये 20,000 हेक्टर पूरी होने के बाद में हमारा काम यही इसका फैलाव हो, विस्तार हो, उसका विस्तार हो। ये दिल का है, इस मेरा 2030 का एजेंडा है। तो थे राज्यसभा छोड़ गए, विधायक चुनाव लड़नो किया मन में पीछे की वजह? देखिए इसके वजह ये थी कि मैं राजस्थान की सेवा करना चाहता था और राजस्थान की सेवा मैं तभी कर सकता हूँ जब मैं एक विधायक हूँ। इसलिए मुझे मैं राहुल गांधी जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत लंबे समय से दिल्ली में काम कर रहा हूँ और अब मेरी इच्छा राजस्थान में काम करने की है। तो उन्होंने मुझे यश का हरी झंडी दी कि आप जाओ और वहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ो और फिर जनता की सेवा करो। वहाँ 2018 में जी विधानसभा की टिकट मिली था ना, तो 28 जी पहले एक उम्मीदवार है कांग्रेस में बगावत करके चुनाव भी लड़ा, सीएस बैद साहब, वह कह के जादूगर साहब यानी कि मुख्यमंत्री जी करीबी माने जाता, लेकिन टिकट मिल गई नरेंद्र जी बुडानिया। आज जादूगरी किया संभव हुई, टिकट दिल्ली में मिली या जयपुर? देखिए मेरी टिकट का सर्वसम्मति से फैसला हुआ था, राजस्थान से भी और दिल्ली से भी, और मैंने किसी का टिकट काटा नहीं। पार्टी ने ये फैसला किया पूरे राजस्थान स्तर पर कि जो लगातार 2 बार हार गए उनको मौका नहीं देकर के नए आदमी को मौका देना है, कि वो 2 बार हार गए। तो यहाँ से जो चंद्रशेखर बैद जी थे 2 बार लगातार हार गए थे, इसलिए वो उस फार्मूले के अंदर आ गए। तो फार्मूले में आ गए तो ये जगह बिल्कुल खाली हो गई और इस जगह पे जो है क्योंकि बहुत मुश्किल सीट थी, 2 बार लगातार हारी हुई थी, तो उस जगह पे मुझे भेजा इन्होंने पार्टी ने। मेरा तो मैं तो एमएलए सरदार सर से भी रहा हूँ, मेरा किसी क्षेत्र चूरू है, तारानगर में जो है मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे यहाँ लड़ना पड़ेगा। और जब मैं यहाँ के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं मेरे 42 साल का जो एक्सपीरियंस है राजनीति का, जो मेरा अनुभव है, उस अनुभव को तारानगर की जमीन पर उतारूं, और वो मैंने उतारने का काम किया है। और मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि योजना है जिसका काम करे बांगे दम पर रिपीट कराऊंगा, थारू के मानो है सरकार संभव है? बिल्कुल संभव है। राजस्थान की जनता मन बना चुकी है कि हम कांग्रेस की सरकार को रिपीट करेंगे और अशोक गहलोत जी को 4थी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। अशोक गहलोत जी ने जो राजस्थान के लिए काम किया है ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उनका एमएलए हूं, मैं ये किसान का बेटा हूं और मैं पूरे देश में घुमा हुआ व्यक्ति हूँ। राजस्थान में जो काम हुए वैसा काम हिंदुस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता। देश की राजनीति जिस दौर में गुजर रही है वो बड़े खतरनाक दौर से गुजर रही है। आज सारा खेल पैसों का चल रहा है। आज जिस प्रकार से CBI आपके जो है ये सारा जो हमारा स्वतंत्रता है, चुनाव आयोग है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो ये छापे मार रहे हैं, इनकम टैक्स छापे मार रहे हैं, ये वो संस्था कौन सी है वो जो रोज छापे मार रही है, ईडी, अब किसी के घर जाकर के जो उसको बदनाम कर देते हैं। आज तक कोई बता दो ईडी में केस में कोई फंसा हुआ हो तो डराने की कोशिश है इनको, किसी एमपी को डाल देते हैं जेल में, किसी मिनिस्टर को डाल देते हैं जेल के अंदर। तो आज प्रजातंत्र में ऐसा होता है थोड़ी है कभी कोई। प्रजातंत्र के अंदर जनता चुनती है जिस एमएलए विधायक को, आप उसको जांच से पहले जेल में डाल देते हो। आज बीजेपी के लोग जो है वो अपना क्षेत्र छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, तो जो 20-20, 30-30, 40-40 साल से काम कर रहे हैं, जहां की जनता उनको जिता के भेज रही है, और आज उनका उनके पैर हिल रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ की तरफ राजेंद्र राठौड़ जी भी और भी कई लोग ऐसे जो क्षेत्र छोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग लड़ना नहीं चाहते, पार्लियामेंट के जिनको टिकट दिया है जबरदस्ती दिया है वो लड़ना नहीं चाहते, कितना भारी विरोध हो रहा है। और कुछ लोग जो है उनकी हालत खराब हो गई अपने क्षेत्र में, काम किया नहीं तो अब जो है दूसरे चारागाह पे जाएंगे। अब बीजेपी नई स्ट्रेटेजी ले सांसदान चुनाव लड़ाना ली, थाने क्या लगा कितनी का सक्सेस हुआ कि तो फेलियर है वो? देखिए ये उनका काम है, पहला काम तो फेलियोरिटी का है कि वो पहले हार गए लड़ने से पहले। आप किसी एमपी को लड़ा रहे हो ला करके, उसका काम दिल्ली में था,
तो दिल्ली के लिए उसने काम किया केंद्र के लिए, और आप उसको स्टेट में भेज रहे हो, तो पहली आदत उनकी वही होगी। जो कार्यकर्ता वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कार्यकर्ता 5 साल से 10 साल से वहां काम कर रहे हैं, आज उनकी अनदेखी करके आपने ऊपर से थोप दिया, पहले लड़ाई तो वो हार गए, और ये इसीलिए वो आज जो है हाहाकार मचा हुआ है, इसीलिए उन्होंने टिकटें रोक दी सारी। मुझे एक बात बताओ कि कोई व्यक्ति आज अपनी जगह छोड़ता है, आज मैं तारानगर छोड़ू कि मैं तारानगर चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे कहीं अलग से लड़ना है, मेरी सेफ सीट है उसमें चलना है, तो मैं पहले ही हार गया। ये बात तो कि मैं मेरी जगह छोड़ रहा हूँ, मैं हार गया, वहां की जनता मुझे पसंद नहीं करी इसलिए छोड़ रहा हूँ। तो एक ये सब जो घबराहट है, ये घबराहट इसलिए है कि बीजेपी के प्रति लोगों का रुझान नहीं है। राजेंद्र राठौड़ को भी कई लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री दौड़ में वह तारानगर आने की चर्चा है, के माहौल है वो, के लागे वो तारानगर थारे सामने स्वागत करूंगा चुनाव लड़ना अगर। देखिए तारानगर चुनाव लड़ते हैं तो उनका स्वागत करूंगा, लेकिन मैं ये मेरे प्रश्न जुड़े दिमाग में कि मैं भी चुरू का रहने वाला हूँ, चुरू में 40 साल से उनको लोग प्यार करते हैं, 40 साल से उनको मत दे रहे हैं, अपना जो है सब कुछ दे रहे हैं, और 40 साल की सेवा जो है उसने जो है वो दौड़ छोड़ रहे हैं, वहां से छोड़ रहे हैं, वहां की जनता भी उनका विश्वास नहीं रहा होगा, यहाँ आते हैं तो तभी आएंगे जब जनता का विश्वास नहीं होगा, वहां से जो है चुनाव पहले ही जो आपने हार मान रहे हैं, तो हार मान के चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे सामने ताकत से चुनाव लड़ूंगा, और मैंने काम किए यहाँ पे, मैं काम के आधार पर चुनाव लड़ूंगा, मैंने तारानगर के अंदर बहुत शांति बना के रखी है 5 साल के अंदर, ये भारी गुंडा तत्व जो है मैंने घुसने नहीं दिया तारानगर के अंदर, तो पहले मेरे से पहले क्या था, लोग बाहर के आते थे जो है दूसरे क्षेत्रों से, गुंडे लोग आते थे, कब्जे करते थे मकानों पर, लोगों से पैसे मांगते, रंगदारी करते थे, जमीनों पर कब्जा करते थे, वो सब मैंने जो है बैरियर लगा दिए कि मेरी सीमा के अंदर तारानगर में कोई नहीं घुसेगा। आज मार्केट में जाकर देखिए मैंने कितनी शांति बनाई है, किसी भी को, किसी इंस्पेक्टर को, किसी कोई जो है किसी दुकान पे जाके कोई मजाक है कोई जो है उनको छेड़ दे। लेकिन फिर भी एक दरो स्थानीय उम्मीदवार की मांग कर रही है, तो बात है अकेला का जायज है या क्या कहना चाहोगे? देखिए स्थानीय हम स्थानीय है, मैं चुरू जिले का रहने वाला हूँ, सब चुरू जिले के हैं, तो मैं कहां से आ गया। दूसरा ये है कि संविधान में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, नंबर एक। नंबर दो, मैंने 5 लोकसभा चुनाव लड़े हैं, उन 5ों में तारानगर के चुनाव वोट ही मैंने लिए हैं, तारानगर के क्षेत्रों को मैंने 5 साल सेवा की है, बिल्कुल सम्मिलित हो गए, तो मैं उसमें काम बाहर का कहां गया? क्या मेरा जो है तारानगर से सीमा से 1 किलोमीटर पे मेरा मकान है, तो क्या 1 किलोमीटर दूरी पे मैं दूसरी जगह हो गया? तो स्थानीय की मांग जो करने वाले हैं वो उनकी मांग जायज हो सकती है, मैं नहीं कहता उनके मन में हो गए कोई बात, लेकिन स्थानीय को मांग स्थानीय की बजाय वो कुछ काम करते, पहले कुछ संघर्ष करते, धरना प्रदर्शन करते, या पार्टी के लिए कुछ काम करते, पार्टी के लिए मीटिंगें करते, पार्टी की योजनाओं को आगे बढ़ाते, अपना एक वजूद बनाते। अब 5 साल तो बोले नहीं, और जो चुनाव आ गया तो पार्टी स्थानीय आ गया, तो मैं बुरा नहीं मानता उनका, उनकी मांग जायज हो सकती है, उनकी मांग जायज हो सकती है, लेकिन मैं पराया नहीं हूं तारानगर के लिए, मैं तो यहीं का जन्मा हूं, मतलब मेरा जो अगला जीवन है शेष वो तारानगर के विकास के लिए गुजरेगा, तारानगर की जनता की सेवा के लिए गुजरेगा। लेकिन एक चीज है, तारानगर में जल निकासी की एक समस्या है बस स्टैंड की, बिंग लिए क्या कदम उठाना चाहिए, क्या कदम उठाए? देखिए बस पहले जो था कि यहाँ पानी 3-3 दिन तक नहीं निकलता था, अभी आप आज जाइए बाजार में, रात को यहाँ बारिश आई थी, 3-3, 4-4 फुट पानी चढ़ गया था बाजार में, और पूरी रात में साफ हो गया वो, सुबह किसी ने देखा नहीं उस पानी को, इतना तेज गति से हमने बाहर निकाला है। पीछे एक घटना हुई 2021 क्लेम को लेके, तो जो सीपीएम का नेता है निर्मल प्रजापत है, वह आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस आना दोनों भी जो सरकार को विरोध कौन करे, यदि क्रॉप कटिंग है बस सैटेलाइट हुई तो बीमर के जवाब देना चाहूंगा। देखिए मैं सम्मान करता हूं उनका, लेकिन उनका ये कहना कि कांग्रेस विरोध कर रही है गलत है। मुझे किसान यूनियन के लोगों ने उस धरने पे बुलाया, और मैं उनके वो मेरे से मिलना चाहते थे घर पे आगे, तो मैंने कहा मैं स्वयं आपके पास आऊंगा, और मैं उस धरने में उनके पास गया, उनकी मैंने बात सुनी, चूंकि मैं स्वयं एमएलए हूं तो मुझे मालूम भी था,
तो मैंने उनको एक आश्वासन दिया कि भी मेरे से जो संभव होगा मैं किसान के लिए जान देने को भी तैयार हूं। इस लड़ाई में मैं बिल्कुल किसान के साथ हूं। और मैं उसी वक्त मैं कलेक्टर के पास गया, कलेक्टर से मैंने बात की, फिर मैंने पूरे जो अधिकारियों से, मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से सबसे बात की। लेकिन ये मैटर जो पुराना था इसलिए नया अधिकारी जो है वो कोई इसको करना नहीं चाहता था। तो फिर मैं अभी पीछे 15-20 दिन पहले मैं कलेक्टर साहब ने मुझे बुलाया, किसान भी आए हुए थे, तो उनका किसान मेरे से मीटिंग करके गए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझे कहा कि भी किसान लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से हमारे को मिलाओ, तो आप मुख्यमंत्री जी से मिलाने की व्यवस्था करो। मैंने उनका स्वीकार कर लिया कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगा। यहाँ बनियाला में भी आए थे तो मैंने मिलाया था, लेकिन मैंने कहा मैं जयपुर में भी उनको मुख्यमंत्री जी के आवास पे मिलाऊंगा। जयपुर बुलाया हमारे तारानगर सरदार सर के MLA, राजगढ़ के MLA, मैं, हम तीनों साथ थे, बादरा के MLA भी थे साथ। और वहां पे बड़ी मीटिंग हुई, वहां पे कृषि मंत्री को भी बुलाया गया, वहां कृषि सेक्रेटरी को भी बुलाया गया, कमिश्नर को भी बुलाया गया, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी बुलाया गया, जो इस समय जितने भी अधिकारी थे उन सबको उस मीटिंग में सम्मिलित कर लिया। हमने करवाया पहले कि आप जो सबको साथ लेके मीटिंग कराओ इनकी। और वहां पर जो है मैंने कहा, ये शुरुआत मैंने की, मुझे पूछा अशोक गहलोत जी ने कि बोलो कैसे आए हो, तो मैंने शुरुआत की, मैंने बताया कि 2021 का जो क्लेम है वो क्रॉप कटिंग से नहीं हुआ और इसके लिए हम आज मीटिंग में हैं। आप किसानों से बात करो इसके लिए कि भी आपकी तकलीफ क्या है। तो 5-7 लोग गए थे, ये जिसमें निर्मल जी भी थे, वहां पर जो है सारा डिस्कशन हुआ, अधिकारियों से हुआ। तो मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया ये कि नहीं, अपने वो किसानों की मदद करनी है। ये नरेंद्र बुड़ानिया जो है मेरे पीछे बहुत दिनों से मुझे इसके पीछे लगा हुआ है और इनकी मदद करनी है, और इसको अपील करो इसकी, और स्टैक जो है इसको दोबारा मीटिंग करो स्टैक की। और उन्होंने जो है स्टैक की मीटिंग की और ये इनको स्टैक की मीटिंग में करके कहा कि नहीं, हम दिल्ली में इसको जो है इसको भेजेंगे। तो हमने और राजस्थान सरकार ने हमारी तरफ से एक क्लेम के लिए बीमा कंपनी को भेज दिया। तो ये काम करने में हमें एज ए किसान काम किया हमने। क्रेडिट की लड़ाई होगी, कॉमरेड आर कह रहे हैं मैं, सरकार कह रही है मैं, बीजेपी आर भी कह रहे हैं मैं दे रहा हूं। असली देखिए, मैं क्रेडिट की बात नहीं कर रहा। मैं कौन क्रेडिट ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, किससे क्या लड़ाई है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। जो किसान की बात करता है मैं उसका सम्मान करता हूं। मेरा कोई क्रेडिट ले, कुछ नहीं ले, लेकिन मैं जो मेरी बता रहा हूं कि मैं संतुष्ट हूं कि मैंने किसानों के लिए काम किया और मैंने किसानों को मुख्यमंत्री जी के पास ले गया। मेरे को संतुष्टि है कि मैंने वहां बड़ी स्तर पर मीटिंग करवाई और मैंने CM से जो है ये आदेश करवाया, ये मुझे संतुष्टि है। इसका कौन श्रेय लेता है, कौन श्रेय ले रहा है, वो जाने, मेरा तो काम था। वो काम मैं अकेले नहीं, अरे सारे जो MLA ने मिलकर किया है क्षेत्र में। तो इस बार क्या लग रहा है, जीत को कोई अनुमान बता सको? विकास जीतेगा। कितने? ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई विकास की है और दूसरी तरफ जो है लोग जाति के, धर्म के, और उसके नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें लास्ट में, अपन प्रदेश में अंदर अगर सरकार की वापसी होती है तो अगले 5 साल की टर्म है, कौन सा काम अधूरा रहेगा जिसका करवाने की इच्छा है? देखिए, मेरा काम पहला नहर को आगे बढ़ाने का, पूरा नहर का काम। मेरे तारानगर तहसील के प्रत्येक गांव में नहर जाए, ये मेरे दिल में है। हर खेत को पानी, हर हाथ को रोजगार, ये मेरा संकल्प है। हर व्यक्ति को स्वास्थ्य का लाभ, मेरे युवाओं के लिए जो है मैंने अच्छा स्टेडियम बनाया है, युवाओं के लिए मैंने जो कॉलेजें खोली हैं, ये आने वाली पीढ़ी के लिए काम किया है मैंने। तो मैं इन चीजों को पूरी ताकत के साथ में और डेवलप करूंगा और नहर की लड़ाई जो है वो मेरी जारी रहेगी। लगभग हर सवाल को खुलकर और बेबाकी जवाब दियो, हम बहुत बहुत धन्यवाद। जलको की जो टीम है उज्जवल राजनीति भविष्य की कामना करें और लगातार जो वरिष्ठता है भी फायदो तारानगरी जनता और जन सेवा कार्य करता रहे। तो आपने स्पेशल कवरेज ही लगातार उम्मीदवार इंटरव्यू करता रहा, देखता रहो जलको चूरू। जय जय राजस्थान।